हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ट्रेंडिंग वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज ट्रेंडिंग ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक, और वह है आजादी का अमृत महोत्सव। क्या है हर घर तिरंगा अभियान। कौन सी तारीख है खास, कैसे पाए सर्टिफिकेट, जाने सब कुछ। ये वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी को दरख्वास्त है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए तो विस्तार से शुरुआत करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक वेबसाइट और वे है harghartiranga.com भी जारी किया है। आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में अभी सड़क किनारे सजावट से लेकर लोगों के घरों, गाड़ियों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगे की धूम है। आप जहां निकले हर ओर हमारा तिरंगा शान से लहराता नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव जो मना रहा है। देश की आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के तत्वावधान में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इस अभियान के बारे में सब कुछ। क्या है हर घर तिरंगा अभियान का मकसद। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत यह अभियान शुरू किया गया है। बीते 22 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने जिक्र किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे का राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। उन्होंने लिखा कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, तो आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराए या प्रदर्शित करें। यह मुहिम राष्ट्रध्वज के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करेगी। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से सरकार ने 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा है। सभी निजी और सरकारी प्रतिष्ठान में भी इसमें शामिल होंगे। लाखों लोग अभी से ही अपने घरों पर सोशल मीडिया प्रोफाइल आदि में तिरंगा लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं अभियान में हिस्सा। हर घर तिरंगा अभियान में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक तौर पर वेबसाइट जारी की है, वह है harghartiranga.com। यहां आप तिरंगे की फोटो शेयर कर सकते हैं, अभियान में भागीदारी सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर PIN पिन अ फ्लैग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन को सबमिट कर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट से अभियान की थीम फोटो भी डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से मंगवा सकते हैं तिरंगा। अगर आप बाहर जाकर तिरंगा लाने में असमर्थ है, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तिरंगा पहुंचाने की भी व्यवस्था है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट www.epostoffice.gov.in पर जाकर तिरंगा खरीद सकते हैं। इसके लिए अपना पता, झंडों की संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। झंडे की कीमत 25 रुपये होगी और कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखें कि ऑर्डर होने के बाद इसे कैंसिल नहीं कर सकते। सभी डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे। तिरंगा की मांग में भारी मात्रा। हर घर तिरंगा अभियान की असर अभी से दिखने लगा है। देश में तिरंगे की मांग भी भारी बढ़ोतरी हुई है। कई रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी द्वारा इस अभियान की घोषणा के बाद 50 गुना तक बढ़ोतरी देखी गई है। हालात यह है कि मांग के मुताबिक आपूर्ति करना कारोबारियों और विनिर्माताओं के लिए कठिन हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति की व्यवसाय करने वाले व्यापारी भी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले तिरंगे की इतनी भारी मांग कभी नहीं देखी। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए
ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड को लेकर। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।